अस्सलाम वालेकुम। आज हम टूर करेंगे ये 10 मरला घर बैरियटन लाहौर। इसकी लोकेशन है और ये इसका स्ट्रीट व्यू है। 40 फीट वाइड रोड है, आसपास फुली घर बने हुए हैं। और ये राइट साइड पे आप देख सकते हैं, अगेन यहाँ पे भी कंप्लीट पॉपुलेटेड एरिया है। ये स्कूल की लोकेशन, मस्जिद की, पार्क की लोकेशन और मेन रोड की लोकेशन इसके बिल्कुल नियर टू है। और ये इसका फ्रंट एलिवेशन है। फ्रंट एलिवेशन आप व्यू कर सकते हैं, फुली टाइल कवर्ड इसे डिज़ाइन किया गया है। ये राइट साइड पे विंडो दी गई है, बालकनी दी गई है। ये इसमें बेडरूम की विंडो है और इसके साथ ये टाइल का आप देख सकते हैं पैच दिया गया। और लेफ्ट साइड पे ये इसका टेरेस डिज़ाइन किया गया और इसके साथ ये टॉप पे इसकी ममटी का व्यू है। तो इस तरह कम्प्लीट जो है फ्रंट एलिवेशन इसका फुली टाइल कवर डिज़ाइन किया गया। ये इसके फ्रंट मेन वॉल है, फ्रंट वॉल पर अगेन टाइलवर का यहाँ पर आउटर लॉन यहाँ पे ये डिज़ाइन किया गया। ये इसमें मेन डोर ब्लैक कलर में से पेंट किया गया और बहुत ही खूबसूरत और सिंपल इसका डिज़ाइन है। ये आप देख सकते हैं आयरन रोड में से तैयार किया गया। ये इसमें गैराज का व्यू है, रैंप का व्यू, गैराज का व्यू। और आप देख सकते हैं यहाँ पे वाइट ब्लैक और ब्राउन कलर में टाइल वर्क हुआ है कम्प्लीट। ये इसके फ्रंट वॉल आप व्यू कर सकते हैं, मोज़ेक वर्क है यहाँ और टाइल वर्क है। और इसका गैराज अगेन जो है फुली टाइल कवर इसे भी डिज़ाइन किया गया है। इंटरेस्ट के साथ लेफ्ट साइड पे ये वॉल दी गई है, प्लांट की इंस्टॉल है, आर्टिफिशियल ग्रास है, बिल्कुल सामने टाइल वर्क है। और ये फ्रंट वॉल पे मोज़ेक वर्क है, ये निश दी गई है। ये इसके गैराज का सीलिंग डिज़ाइन फैन की इंस्टॉल है। इंटरेस्ट के साथ राइट साइड पर ये फ्रंट ओपन स्पेस है, यहाँ पर सिटिंग के लिए ये बेंच दिया गया, वाटर यूनिट दिया गया। और बिल्कुल सामने ये टाइल वर्क है, ग्रास वर्क है और ये पैरेट्री दी गई है यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत इसका डिज़ाइन है। ये इसमें विंडो दी गई है, स्लाइड विंडो है ये। और सेफ्टी के लिए इसमें यूज़ की गई है, ये ग्राउंड फ्लोर पे ड्राइंग रूम की विंडो है, ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे इसके बेडरूम की विंडो। ये इसका टेरेस और ये गैराज का व्यू, इस तरह इसकी फ्रंट साइड डिज़ाइन की गई है। तो अभी हम घर के अंदर से विज़िट करेंगे। बिल्कुल सामने ये इसका मेन डोर है, इसकी विड्थ आप देख सकते हैं जो नॉर्मल घर है उससे तकरीबन जो है ये 1 या 1.5 फीट इसे वाइडर रखा गया है, ये विड्थ इसकी ज़्यादा है। ये इसका मेन डोर है और ये ड्राइंग रूम का डोर है। ये ड्राइंग रूम के डोर से हम इंटर होंगे और ये आप व्यू कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत इसका कलर थीम है, डिज़ाइनिंग आप देख सकते हैं। नीचे ग्राउंड पे ये वुडन डिज़ाइन में कंप्लीट टाइल वर्क है और फ्रंट वॉल पे टेक्सचर पेंट है, मोल्डिंग वर्क है, ग्लोब या इंस्टॉल है। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन शिंडल या इंस्टॉल है, फैन या इंस्टॉल है, बहुत ही खूबसूरत इसका सीलिंग डिज़ाइन आप देख सकते हैं। और ये इसमें आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत इस वॉल को डिज़ाइन किया गया, ग्लास पैनल इसमें यूज़ किया गया और ये वुडन शेल्फ दी गई हैं और ये इसकी वॉल की खूबसूरती में मज़ीद जो है इजाफा कर रही हैं। ये इसमें विंडो है जो भी हमने बाहर से विज़िट की। तो ये इसके ड्राइंग रूम का फुल विज़िट था। बिल्कुल सामने ये लिविंग एरिया और ये पार्टीशन की गई है ड्राइंग रूम की लिविंग एरिया से और ग्लास यूज़ किया गया यहाँ पर और ये वुडन वर्क हुआ है, बहुत ही खूबसूरत इसका डिज़ाइन है। तो ये इसके ड्राइंग रूम का फुल व्यू। अभी हम इसके लिविंग एरिया में लिविंग एरिया इसका विज़िट करेंगे। ये हम इसके लिविंग एरिया में आगे हुए हैं और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने ये मीडिया वॉल है और ये इसकी फ्रंट मेन वॉल टेक्सचर पेंट है, यहाँ मोल्डिंग वर्क है, ग्लोब या इंस्टॉल है। और ये इसमें सीलिंग डिज़ाइन आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत आर्टिस्टिक वर्क हुआ है। सीलिंग डिज़ाइन में ग्लास पैनल यूज़ किया गया, मोल्डिंग वर्क हुआ है, शैंडल या इंस्टॉल है, फैन या इंस्टॉल है। और ये इसके लिविंग एरिया का व्यू, बिल्कुल सामने ड्राइंग रूम एरिया जो हमने विज़िट किया और ये इसकी मेन एंट्रेंस है। और इसके साथ ये इसमें किचन स्पेस दी गई है, 2 बेडरूम दिए गए और ये इसमें लिविंग एरिया का व्यू, ये किचन की तरफ आप देख सकते हैं। तो पहले हम इसका ये किचन एरिया विज़िट करेंगे और ये आप देख सकते हैं इसकी जो व्यू है बहुत ही खूबसूरत। इसका किचन डोर डिज़ाइन किया गया, ये प्रॉपर जो है यहाँ पर ग्लास यूज़ किया गया। अमूमन जो है यहाँ पे वॉल कर दी जाती है तो वो अजीब सा एक कंजेस्टेड सी लुक आती है। तो इस तरह ये लिविंग एरिया और किचन एरिया आप देख सकते हैं, एक जो इसका व्यू है वाइडर व्यू आ रहा है यहाँ से। और ये नीचे ग्राउंड पे आप देख सकते हैं 3x4 की टाइल यूज़ की गई है, बहुत ही खूबसूरत जो है इसका कलर थीम है, इसमें ग्रेन्स हैं ये। तो ये हम इसके किचन एरिया में आ गए और ये काउंटर आप देख सकते हैं, ग्रेनाइट में इसका काउंटर टॉप डिज़ाइन किया गया। ये अपर कैबिनेट आप व्यू कर सकते हैं, वाइट इसमें शीट यूज़ की गई है, वाइट कलर में सीलिंग तक इसे डिज़ाइन किया गया। ये फैन या इंस्टॉल है, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन, बर्नर हुड या इंस्टॉल है, वॉल के साथ टाइल वर्क आप देख सकते हैं। और नीचे ये लोअर कैबिनेट
ब्लैक जेट ब्लैक कलर में इसे डिज़ाइन किया गया है। सिंक इंस्टॉल है, ये विंडो है जो इसकी साइड गली की तरफ ओपन होगी, और बेकिंग ओवन माइक्रो ओवन या इंस्टॉल है। तो ये इसके किचन एरिया का व्यू था, बहुत ही खूबसूरत इसका किचन डिज़ाइन किया गया। ये हम वापस आ गया लिविंग एरिया में, और यहाँ से आप व्यू कर सकते हैं जो इसका डोर है वो इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर रहा है किचन की। यहाँ पे आप ब्लाइंड यूज़ कर सकते हैं, इसे आप फुली सेपरेट भी कर सकते हैं इस तरह किचन को। ये इसका लिविंग एरिया, ये इसकी इंट्रेस जो है, ये इसकी इंट्रेस विजिट कर लेते हैं। ये इसकी मेन इंट्रेस है, ये सीलिंग डिज़ाइन शैंडल या स्टोर है। ये स्टेयर्स ऊपर इसके फर्स्ट फ्लोर को अप्रोच करेंगी, और ये इंट्रेस के साथ राइट साइड पे आप देख सकते हैं ये फुली जो है ग्लास यूज़ किया गया यहाँ पे। जो इसका जो स्टेयर्स का या इसका जो रिसेप्शन एरिया है उसका व्यू ये बहुत ही खूबसूरत बन रहा है, क्योंकि ये मिरर के साथ इसका डबल व्यू बन रहा है। तो ये बहुत ही एक आप कह लें कि बेहतरीन आइडिया है। यहाँ पे आप ग्लास चूज़ कर सकते हैं, ये इसकी मेन इंट्रेस। ये लिविंग एरिया हम फुली विज़िट कर चुके हैं, और लेफ्ट साइड पे किचन है, ये हम विज़िट कर चुके हैं। दो बेडरूम दिए गए इसकी बैक साइड पे, पहले हम इसका फर्स्ट बेडरूम विज़िट करेंगे। बिल्कुल सामने ये बेड साइड वॉल आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत इसमें ये फैब्रिक यूज़ किया गया है, और ये ब्रास स्ट्रिप्स डिज़ाइन की गई हैं यहाँ पे। ग्लोब या इंस्टॉल है, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन ग्लास वर्क हुआ है। यहाँ पे फैन या इंस्टॉल है, ये इसमें विंडो दी गई है, सेफ्टी ग्लिस में यूज़ की गई है। स्लाइड विंडो है, ये नीचे ग्राउंड पे 3x6 की टाइल यूज़ की गई है, और ये इसमें कंसील वार्डरोब दी गई है। ग्लास पैनल में इसके डोर डिज़ाइन किए गए हैं, और ये इसमें वॉशरूम। बिल्कुल सामने ये वैनिटी, और आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत वैनिटी डिज़ाइन की गई है। मिरर, और ये फुली टाइल कवर्ड वॉशरूम डिज़ाइन किया गया। शावर स्पेस को फुली सेपरेट किया गया है, ये कमोड एरिया आ जाता है आपका। नीचे ग्राउंड पे 2x4 के टाइल है, और ये ग्लास में डोर डिज़ाइन किया गया यहाँ, और ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत जो है सेपरेट ये कैबिन डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ पे ये सिटिंग के लिए बेंच दिया गया यहाँ। ये इसमें वॉशरूम का व्यू, ये हम वापस आ गए इसके बेडरूम में। ये बेडरूम का फुल व्यू, ये सीलिंग डिज़ाइन, ये नीचे ग्राउंड पे टाइल वर्क। ये हम वापस आ गए लिविंग एरिया में, इसके साथ ये सेकंड बेडरूम है, ये हम विज़िट करेंगे। और ये आप देख सकते हैं अगेन बहुत ही खूबसूरत इसकी बेड साइड वॉल, ग्लोब या इंस्टॉल है, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन, फैन या इंस्टॉल है। इसमें फैब्रिक जो है डिफरेंट यूज़ किया गया दूसरे रूम से, और ये ब्रास स्ट्रिप्स दी गई यहाँ पर बेड साइड वॉल के सामने। LED यूनिट, ये वार्डरोब दी गई है, और ग्लास पैनल में डोर दिए गए हैं, इसे आप एज आ ड्रेसिंग भी यूज़ कर सकते हैं। और ये इसमें वॉशरूम दिया गया, बिल्कुल सामने वैनिटी, मिरर, फुली टाइल कवर्ड वॉशरूम डिज़ाइन किया गया। लेज वॉल दी गई, या एग्जास्ट, ये इसमें विंडो दी गई, शावर सेट या इंस्टॉल है। सीलिंग डिज़ाइन, ये कंसील कमोड नीचे ग्राउंड पे वुडन डिज़ाइन में टाइल। ये हम वापस आ गए इसके बेडरूम में, ये इसमें बेडरूम का फुल व्यू, सीलिंग डिज़ाइन, नीचे ग्राउंड पे टाइल वर्क। ये हम वापस आ गए लिविंग एरिया में, ग्राउंड फ्लोर फुली विजिट कर चुके हैं। दो बेडरूम दिए गए हैं बैक साइड पे, ये इसका लिविंग एरिया, बिल्कुल सामने ड्राइंग रूम, और ये इसमें किचन स्पेस। अभी हम इसका फर्स्ट फ्लोर विजिट करेंगे, इसके लिए हम वापस आ गए हैं। ये इसकी लॉबी में, और ये स्टेज स्टेप पे ग्रेनाइट दिया गया, और ये आयरन में इसकी रेलिंग डिज़ाइन की गई है, और ये वॉल के साथ आप देख सकते हैं ये टेक्सचर पेंट हुआ है, और इसमें यह डिज़ाइनिंग की गई है, बहुत ही खूबसूरत जो है पेंट किया गया यहाँ पर। ये इसमें विंडो दी गई है, स्लाइड विंडो है, सेफ्टी ग्रिल इसमें यूज़ की गई है। ये इसमें टेरेस की विंडो है, ये आगे मैं इसकी लॉबी में, बिल्कुल सामने टेक्सचर पेंट है, ग्लोब या इंस्टॉल है। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन, और ये इसमें लिविंग एरिया, नीचे ग्राउंड पे टाइल वर्क आप देख सकते हैं। ये स्टेज ऊपर इसकी छत को अप्रोच करेंगे, ये इसमें लिविंग एरिया का मेन डोर, और बिल्कुल सामने ये मोज़ेक वर्क आप देख सकते हैं निश में, और ये इसका लिविंग एरिया फर्स्ट फ्लोर पर आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत इसका व्यू है। बिल्कुल सामने ये टेक्सचर पेंट है, ग्लोब या इंस्टॉल है, ये इसमें मीडिया वॉल डिज़ाइन की गई है, वुडन स्ट्रिप्स दी गई हैं यहाँ पे, शीट वर्क है, और नीचे ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत कंसोल डिज़ाइन किया गया यहाँ, और ये ग्राउंड पे 3x4 के टाइल यूज की गई है। ये सीलिंग डिज़ाइन, और ये इसके लिविंग एरिया का फुल व्यू। ये दो बेडरूम बैक साइड पे डिज़ाइन किए गए हैं, और इसके साथ ये किचन एरिया आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत इसे भी एक लुक प्रोवाइड की गई है। और यहाँ पे आप ग्लास यूज़ कर सकते हैं, डोर यूज़ कर सकते हैं वुडन डोर, और ये इसमें कैबिनेट आप देख सकते हैं, हाई ग्लास शीट यूज़ की गई, यहाँ पे बर्नर हुड या इंस्टॉल है। बिल्कुल सामने सिंक, ये विंडो दी गई है,
एग्जास्ट इंस्टॉल है, फैन। तो ये इसमें किचन एरिया का व्यू, ये लिविंग एरिया हम फुली विजिट कर चुके हैं, ये इसमें लिविंग एरिया का व्यू। अभी ये हम इसका बेडरूम विजिट करेंगे। ये दो बेडरूम बैक साइड पे दिए गए हैं और ये थर्ड बेडरूम ये फ्रंट साइड पे दिया गया है एलिवेशन वाली साइड पे। पहले हम इसका फर्स्ट बेडरूम विजिट करेंगे। बिल्कुल सामने ये वाइडर विंडो है, सेफ्टी के लिए इसमें यूज़ की गई। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन आप देख सकते हैं, नीचे ग्राउंड पर टाइल वर्क आप व्यू कर सकते हैं। ये इसमें कंसील वार्डरोब दी गई और ये इसमें एलईडी यूनिट आप व्यू कर सकते हैं। ये वॉशरूम एरिया, बिल्कुल सामने ब्रॉड वैनिटी है, मिरर, पूरी टाइल कवर्ड इसे डिज़ाइन किया गया, सीलिंग डिज़ाइन एग्जास्ट एंड स्टॉल है। ये इसमें कमोड एरिया आ जाता है, नीचे ग्राउंड पे टाइल वर्क है। ये शावर स्पेस को सेपरेट किया गया, निश दी गई यहाँ पे। ये इसमें विंडो दी गई है, एग्जास्ट एंड स्टॉल है। तो ये इसमें वॉशरूम का व्यू। ये हम वापस आएंगे बेडरूम में, ये बेडरूम का फुल व्यू, ये सीलिंग डिज़ाइन, ये नीचे ग्राउंड पे टाइल वर्क। ये हम वापस आ गए लिविंग एरिया में, इसके साथ ये सेकंड बेडरूम दिया गया। बिल्कुल सामने अगेन वाइडर विंडो दी गई है। ये बेडशीट वॉल बहुत ही खूबसूरत इसे डिज़ाइन किया गया है, सीलिंग डिज़ाइन आप देख सकते हैं। ग्लास पैनल है यहाँ पे और फैन यह इंस्टॉल है, नीचे ग्राउंड पर टाइल वर्क है। बेडशीट वॉल के सामने एलईडी यूनिट और अगेन बहुत ही खूबसूरत कंसील वार्डरोब दी गई है यहाँ पे। ये इसमें वॉशरूम एरिया, वैनिटी, और बिल्कुल सामने ये टाइल वर्क आप देख सकते हैं, मिरर यह इंस्टॉल है। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन और ये फुली टाइल कवर्ड इसे डिज़ाइन किया गया और बहुत ही खूबसूरत कलर थीम में टाइल यूज़ की गई है। और ये शावर स्पेस को ग्लास डोर से सेपरेट किया गया और ये आप देख सकते हैं कंसील कमोड यूज़ किया गया हर वॉशरूम में। और ये इसमें विंडो दी गई है, एग्जास्ट इंस्टॉल है। तो ये इसमें वॉशरूम का फुल व्यू। ये हम वापस आ गए हैं इसके बेडरूम में, ये बेडरूम का फुल व्यू। ये हम वापस आ गए हैं इसके लिविंग एरिया में। दो बेडरूम दिए गए हैं बैक साइड पे, ये हम विजिट कर चुके हैं। अभी हम इसके लिविंग एरिया में मौजूद है, ये लिविंग एरिया हम विजिट कर चुके हैं और ये किचन स्पेस। और ये थर्ड बेडरूम ये फ्रंट साइड पे डिज़ाइन किया गया, अभी हम इसका थर्ड बेडरूम विजिट करेंगे। बिल्कुल सामने विंडो है, इसके साथ बालकोनी दी गई है। ये इसमें बेड साइड वॉल है, टेक्सचर पेंट हुआ है, यहाँ ग्लोब या इंस्टॉल है। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन, प्रोफाइल लाइट्स दी गई हैं, ग्लास पैनल यूज़ किया गया, फैन या इंस्टॉल है। ये एलईडी यूनिट दिया गया और ये इसमें वार्डरोब डिज़ाइन की गई है। और इसके साथ ये इसमें वॉशरूम, बिल्कुल सामने वैनिटी, मिरर, फुली टाइल कवर इसे डिज़ाइन किया गया, सीलिंग डिज़ाइन, शावर स्पेस, बिल्कुल सामने वुडन डिज़ाइन में फुली टाइल वर्क आप देख सकते हैं। और ये कंसील कमोड दिया गया यहाँ पे, ये निश दी गई है, विंडो दी गई है। तो ये इसके वॉशरूम का व्यू था। ये हम वापस आएंगे इसके बेडरूम में, ये इसके बेडरूम का फुल व्यू, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन, ये नीचे ग्राउंड पर टाइल वर्क। ये हम वापस आ गए लिविंग एरिया में, ये फर्स्ट फ्लोर हम फुली विजिट कर चुके हैं। फ्रंट साइड पर ये बेडरूम दिया गया है, इसके साथ टेरेस है। अभी हम ये लास्ट में टेरेस विजिट करेंगे। ये इसका लिविंग एरिया और दो बेडरूम बैक साइड पे दिए गए हैं और इंट्रेंस के साथ लेफ्ट साइड पे ये किचन एरिया दिया गया। तो अभी हम इसका टेरेस विजिट करेंगे, इसके लिए हम वापस आए हैं। और ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत इसके टेरेस का ये डिज़ाइन है, ये पिलर डिज़ाइन किए गए यहाँ पर। और ये आयरन वर्क हुआ है यहाँ, ये टाइल वर्क आप व्यू कर सकते हैं। ये इसमें वाटर यूनिट दिया गया है, ये इसमें साइड 5 फीट गली दी गई है, इसी साइज में गली इस घर की बैक साइड पे दी गई है। तो अभी हम इसकी ममटी और छत विजिट करेंगे। ए प्लस इस घर की कंस्ट्रक्शन है, बहुत ही खूबसूरत इसे डिज़ाइन किया गया है। जो इसमें सेटिंग की गई है ड्राइंग रूम की, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे लिविंग एरिया की, किचन की, तो कलर थीम बड़ा अच्छा इसमें चूज़ किया गया है, कलर सेंस बड़ी अच्छी यूज़ की गई है, अकोमोडेशन बड़ी अच्छी दी गई है। तो ओवरऑल लोकेशन इसकी आइडियल लोकेशन है। तो ये एक बेहतरीन घर है, जो दोस्त घर बाय करना चाह रहे हैं 10 मरला वो इसे कंसीडर कर सकते हैं। ये हम आगे हुए हैं ऊपर इसकी ममटी में, ममटी में प्रॉपर जो है स्टोर रूम स्पेस दी गई है। ये इसमें विंडो दी गई है और ये इसके छत का मेन डोर, और आप देख सकते हैं यहाँ पे फुली मार्बल वर्क है। बैरिया की मेन लोकेशन जो है ग्रैंड मस्जिद, उसके करीब ये घर लोकेटेड है। मस्जिद, पार्क, स्कूल की लोकेशन इसके बिल्कुल नियर टू है। इस घर के डिमांड कर रहे हैं ये 490। जो दोस्त या क्लाइंट इसमें इंटरेस्टेड है, हमारा नंबर स्क्रीन पे मौजूद है, अब हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ हम इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।